हेलो फ्रेंड्स, अगर आप टेक न्यूज देखते हो, अगर आप स्मार्टफोन के बारे में जानकारी रखते हो, तो आपको शायद पता होगा कि 2017 जो है वो बेजललेस स्क्रीन का जो एक ट्रेंड अब मानो चल रहा है, उसके साथ ही आपका डुअल कैमरा वाला कॉन्सेप्ट भी लाया गया है। तो लगभग सभी जो हैंडसेट मैन्युफैक्चरर है वो फोकस कर रहा है डुअल कैमरा वाला हैंडसेट में। तो ऐसे में क्या सभी जो ब्रांड है, क्या वो सही चीज आपको दे रहा है? आपको कैसे वो पता चलेगा कि आपका जो हैंडसेट है वो सही है या फिर नहीं, आपका आपके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर नहीं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही चीज आपको बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। मैं हूं शुभंकर सन्यामोत, आपके होस्ट। आप देख रहे हैं द अल्टीमेट टेकी। सो लेट्स गेट इन द बिजनेस। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए मेहमान हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे वो रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबा के। और इस अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपके पास कोई सवाल हो सुलझा हो तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में वो जरूर लिख देना। और मैं पहले ही मेरे हिंदी के लिए माफी चाहना चाहता हूँ। मेरा नेटिव हिंदी नहीं है तो इसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। तो चलिए दोस्तों, बैक करते हैं कि हमारे टॉपिक पे। तो गाइस देखो, यहाँ पर बेजल स्क्रीन तो है वो अलग ही चीज है, उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक वो नहीं है। तो डुअल जो कैमरा है, इसमें क्या करते हैं ये लोग कि बोलते हैं कि पर डुअल कैमरा है, तो बड़े बड़े ब्रांड जो है वो बोल देते हैं कि यहाँ पर जो है एक कैमरा लगा हुआ है वो आपका मोनोक्रोम होगा, दूसरा वो कैमरा होगा वो आपका कलर होगा, दोनों मिक्स करके फोटो प्रोड्यूस करके ऐसे बोल देता है। पर सभी कंपनियां जो है वो ऐसे आपको नहीं बोलते हैं। कुछ कुछ कंपनियां तो ऐसे होते हैं कि आपको बोल देता है कि यहाँ पर डुअल कैमरा है, पर वो ठीक से काम भी नहीं करता है। तो देखो, एक नया हाल ही में लॉन्च हुआ है पैनासोनिक, जो कि एक बड़ा कंपनी है। उन्होंने एक हैंडसेट लॉन्च किया है जिसका नाम है पैनासोनिक एलुगा रे 500 और पैनासोनिक एलुगा रे 700। तो पहली वाली जो है पैनासोनिक एलुगा रे 500, उस पर लगा है प्रोसेसर जिसका जो है मीडिया टेक की 6737 वाला प्रोसेसर, जिसमें अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पे देखो आप कि 6737 पे आपको मिल रहा है 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के डबल कैमरा, डुअल कैमरा। जबकि मीडिया टेक खुद बोल रहा है कि यहाँ पर कोई जो कैमरा सपोर्टेड होगा वो है मैक्सिमम 30 मेगापिक्सल का। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रेम रेट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 28 FPS तक की हो सकता है, मतलब कि 30 FPS तक की आपको नहीं मिल रहा, मतलब कि आपको पिक्चर क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छा नहीं मिलेगा। बावजूद कि जो पैनासोनिक जो ब्रांड है वो बड़ी से बड़ा ब्रांड है और ये जो कैमरा में बहुत आगे है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कर पाएगा क्योंकि आपका प्रोसेसिंग पावर आपका नहीं है ठीक ठाक, प्रोसेस का आप ठीक ठाक नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा है ना। मतलब कि आपको आप ये समझ लो कि आपके पास अच्छा पेन है पर आप पेन से लिखने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, अपने आप पढ़ा नहीं हो तो कैसे क्या कम कर पाओगे, कम तो नहीं होगा ना। तो ऐसे ही है भाई। और देखो एक चीज और है, यहाँ पर 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल की कैमरा बोल गया है, तो 30 मेगापिक्सल इसका जो हाईएस्ट कैपेसिटी है प्रोसेसर का, प्रोसेसर के उस ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपका कैमरा कौन सी आप लगा सकते हो, कौन सी आप बैटरी डाल सकते हो, ये सब जो चीजें है वो आपका प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है मेजोरिटी पे। तो प्रोसेसर अगर आप बोल रहे हैं, प्रोसेसर आपको बोल रहा है कि आपको 30 मेगापिक्सल हाईएस्ट सपोर्टेड हो, तो कैसे आप लगा सकते हो? अगर आप शायद आप बोलोगे कि 6753 जो प्रोसेसर लगा हुआ है एलुगा रे 700 पर, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो यहाँ पर भी मीडिया टेक ने डायरेक्टली नहीं बोला है कि यहाँ पर कोई डुअल ISP है। डुअल ISP के मतलब है डुअल इमेज तो अब आप बोल सकते हो कि Xiaomi ने हाल ही में लॉन्च किया है Xiaomi MIUI 1, वो भी डुअल कैमरा वाला है, वो कैसा है, वो काम कर रहा है या फिर नहीं ठीक से? तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि Xiaomi MIUI 1 ने में जो चिपसेट यूज कर रहा है वो है स्नैपड्रैगन 625 SoC। अगर आप स्नैपड्रैगन के वेबसाइट पे जाते हो और 625 सर्च करते हो तो आपको क्लियरली वहां पर दिखने को मिलेगा कि यहाँ पर डुअल ISP है।
मतलब कि आपका डुअल कैमरा जो है सपोर्ट करेगा, यानी कि बेहतर आपको इमेज क्वालिटी आपको मिल रहेगा मिलेगा ठीक है, और वोल्टी वोल्टी सपोर्ट वगैरह वो भी आपको मिल जाएगा, और बैटरी की कैपेसिटी भी हाई रहेगा। ये खुद आपका स्नैपड्रैगन की वेबसाइट पे मिल जाएगा, पर मीडियाटेक ऐसा कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। अगर इसको हम साइड में रखते हैं क्योंकि पैनासोनिक के बारे में कुछ भी ठीक से जांच नहीं कर पाया। अगर आपके पास कुछ भी हैंडसेट है डुअल कैमरा वाला आपका, अगर आपके पास पैनासोनिक के हैंडसेट है जो मैं बताया जो दो हैंडसेट के बारे में, अगर आप खुद से वो टेस्ट करना चाहते हो तो आप क्या करना कि दो जो कैमरा है एक को ब्लॉक करके दूसरे से शूट करना, तो देखना कि वहाँ पर फोकसिंग ठीक से हो रहा है या फिर नहीं। अगर फोकसिंग ठीक से नहीं हो रहा मतलब कि आपका कैमरा जो है प्रॉब्लम है, वहाँ पर दिक्कत है, आपको फ्रॉड किया गया है। ये ऐसा होता है क्योंकि जो फेक कैमरास होता है वहाँ पर क्या करते हैं, अगर वो बुके इफेक्ट देता है तो क्या होता है कि वो एक कैमरा को यूज़ करता है फोकस के लिए और दूसरे को यूज़ करता है ब्लर करने के लिए। मतलब कि ये हाथ मेरा देख रहा हो ये होना चाहिए कि इस हाथ से हाथ के जो प्लेन है यहाँ पर सभी चीज़ पर आपको फोकस होना चाहिए, पीछे आपको ब्लर रहना चाहिए, ये परफेक्ट बुके मोड है। पर जो फेक कैमरा से फेक डुअल कैमरा से जिसमें आपको बुके में दिख रहा है उस पर क्या होता है कि आप यहाँ पर फोकस किया ना तो इसके पैरेलल जो भी पार्ट है वो भी ब्लर हो जाता है। अगर आप स्क्वायर आर्ट ऐसे वगैरह कुछ सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो किए हो आपके फ़ोन पे जिस जहाँ से आप ब्लर करते हो आपके इमेज को फोटोशॉप को यूज़ नहीं करके, तो आप उस कंसेप्ट को समझ जाओगे। तो ये है, तो इसके लिए आप क्या करना, एक को ब्लॉक करना है कैमरा को, दूसरे शूट करना, और फिर दूसरे को ब्लॉक करना और पहले वाले से शूट करना। अगर आपको ठीक इमेज दे रहा है, हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ होता है होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट मिल सकता है आपको एक से, और से कलर मिल सकता है एक से, आपका जो डेप्थ है बहुत ज़्यादा मिलेगा। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोकस नहीं कर पाया और ठीक से कैप्चर भी नहीं कर पाया। अगर ऐसा हो रहा है मतलब कि आपका कैमरा में दिक्कत है। और इसी बारे में अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पैनासोनिक एलवर 500 लेने के पहले आप थोड़ा सा सोच लिए, क्योंकि इसका हाईएस्ट एफपीएस जो सपोर्ट करेगा वो है 28 एफपीएस। आपको नॉर्मल कैमरा में आपको मिलता है 30 एफपीएस की, तो ऐसे में शायद आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहोगे, क्योंकि अगर आपके पास दोनों कैमरा है पर आपका जो हाईएस्ट एफपीएस है वो आपको 28 मिल रहा है तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और एक चीज़ मैं भूल गया था कि डॉज एक स्मार्टफोन ब्रांड है, तो इस पर ये इसका जो क्रेज़ है इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा है, पर इसमें भी प्रूव हो गया है कि यहाँ पर जो कैमरा लगा हुआ है वो फेक कैमरा से, फेक डुअल कैमरा से। तो दोस्तों इसके बारे में आप अलर्ट रहना, और अगर फ़ोन खरीदना चाहते हो तो वेट कीजिए किसी भी बड़े मतलब कि किसी भी ट्रस्टेड अगर यूट्यूबर वो रिव्यू नहीं किया है तो अब बेहतर ये होगा कि वो ना लो। अगर मैं रिव्यू करता हूँ उसका तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। हाँ, मैं लेने वो केक नोट का रिव्यू किया था जी, हाँ उस पर कैमरा जो है वो ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हो। पर मैंने बोला था वहाँ पर कि शटर स्पीड में जो है प्रॉब्लम है, वो शायद बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट के दौरान ठीक कर सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपसे आपको फ़ायदा हुआ है, आपको कुछ जानने में आया है, और मेरा हिंदी ख़राब हिंदी आपको सुनने भी मिला है तो इसके लिए मैं सॉरी। और फिर भी अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो एक थम्स अप जरूर दे देना नीचे, और सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये जो है एक बड़ी ही खतरनाक चीज़ है, तो आप इसको ध्यान में रखना। तो आपके लिए बस इतना ही, आप देख रहे दाल में ठेकी, मैं तो शुभंकर शर्मा आपके दोस्त, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।